मिर्जापुर लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। यह एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं अब उनकी बहन पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी से अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। मंगलवार को अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में पल्लवी पटेल ने पहले तो रोड शो निकाला और फिर इमामबाड़े में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश के पीडीए पर सवाल उठाए। इंडिया अलायंस है बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी यादव, और उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस और अखिलेश यादव। मतलब इंडिया अलायंस हुआ कांग्रेस और यादव, तो बाकी पिछड़ा दलित मुसलमान क्या करेगा? भैया के नाम पे जवानी कुर्बान करेगा और दरी बिछाने का काम करेगा? अगर आप भागीदारी नहीं दे सकते हैं तो ये पिछड़ा दलित मुसलमान जिसने घंटों लाइन में खड़े होकर के आपको जिताने के लिए एक छत होकर के मुहिम छेड़ी है, अब वो किसी को ना हराएगा ना किसी को जिताएगा, अब वो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा और अपने बीच के बेटे अपने बीच के भाई को आगे ले जाकर के अपनी बात सदन में उठाएगा और अपनी बात के। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ पल्लवी पटेल ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए पीडीएम बनाया है और यूपी की 28 लोकसभा सीटों पर पीडीएम के उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। पल्लवी पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीडीए बनाम पीडीएम के मुद्दे पर बात की, मगर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल को लेकर कुछ भी बोलने से बचती नजर आईं। पीडीएम जो पूरे उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसका उद्देश्य है कि हम पिछड़ा दलित मुसलमान और अपने सभी समाज के लोगों के बीच में जा कर के ये बात स्पष्ट रूप से बता सके कि हम सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं लिए जा सकते। इस देश की शिक्षा, इस देश के सदन, इस देश की जो दवाई है, कमाई है, पढ़ाई है, वहाँ पर भी हमारी भागीदारी हमारे जाति के अनुपात में होनी चाहिए। इस मुहिम के साथ पीडीएम उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। क्या आपको लगता है, चूंकि ये आपके बहन का भी संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में क्या सियासत घर की सियासत है या फिर आपकी पार्टी की सियासत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पूर्वांचल के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की कर्मभूमि रहे हैं और उनकी हर उस कर्मभूमि पर जा करके अपना दल अपने दम्भ को और अपनी जो गर्व है उसको पुनः जीवित करके आगे बढ़ना चाहता है और इस लड़ाई में पूरी मुस्तैदी से हर समाज के लोग हमारे सहयोग में उतरे हुए। अनुप्रिया पटेल भी कुछ नहीं बोल रही हैं, आप वो आपकी बहन है, यहाँ से सांसद हैं। मेरे लिए लोकसभा चुनाव जो है, जहाँ पर भी हम 28 सीटों पर लड़ रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो एक समान है। मैं अपने प्रत्याशियों की बात करूंगी, अपने मुहिम की बात। अखिलेश जी तमाम दावे कर रहे हैं, बीजेपी तमाम दावे कर रही है, इस बीच में आपकी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? हमारा सिर्फ एक ही दावा है कि हम चाहते हैं कि वो समाज जो यहाँ पर पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो उसकी लड़ाई की। आप सांसद, अगर आपके पार्टी के होते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? किसके साथ अगर मौका मिलता है सरकार में जाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कुव्वत ही नहीं है कि पल्लवी पटेल को खरीद ले। और रही बात इंडिया अलायंस, तो पीडीएम जो है और पल्लवी पटेल हमेशा मुद्दों की और जनहित की लड़ाई लड़ती है, और अगर हम सांसद रह करके बाहर भी खड़ा होना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं। आपको बता दें कि पीडीए के खिलाफ पीडीएम बनाने के बाद से पल्लवी पटेल लगातार इंडिया गठबंधन और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। मिर्जापुर सीट पर पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ पल्लवी पटेल खुद चुनाव लड़ सकती हैं, मगर पल्लवी खुद मैदान में उतरने के बजाय मिर्जापुर सीट से दौलत सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।